ये इनका आहार नाम का वर्ण। दूसरा कार्टिलेजिनस मत्स्य में आहार नाम जो होती है वो आगे जाके अवस्कर या कोलिका में पहुंचती है, जबकि बोनी फिशेज में आहार नाम सेपरेट एनस या गुदा मार्ग में खुलती है। एनस का अभाव होता है कार्टिलेजिनस मत्स्य, तो ये इनकी आहार नाल होगी। अब पाचन तंत्र के बाद अगर आपने देखी जो अगला तंत्र है श्वसन, श्वसन नहीं होता है, पोम के द्वारा होता है, लेकिन श्वसन के अंदर कार्टिलेजिनस मत्स्य या वास्तव मत्स्य में देह की पार्श्वीय भाग में दो तत्व, देह के दोनों तरफ पार्श्विक भाग में क्लोन पाए जाते हैं। क्लोन छिद्रों के द्वारा देह के पार्श्विक भाग में क्लोन छिद्र पाए जाते हैं। यह वो छिद्र है जिनसे मुख से जल जाता है और जो फेरिस या ग्रसनी से होता हुआ में बाहर आता है। तो फेरिंग्स क्लोन छिद्रों के द्वारा बाहर होते हैं और जल मुख से जाता है और फेरिंग्स और क्लोन छिद्रों से हवा बाहर आ जाता है। कार्टिलेजिनस मत्स्य में जो क्लोन छिद्र हैं वे पाइप के खुले हुए होते हैं। यहाँ पे ओपरकुलम का अभाव होता है, ओपरकुलम एब्सेंट और कार्टिलेजिनस मत्स्य के अंदर अगर आपने देखें तो स्पाइरेकल एक ऐसी संरचना है जो पाई जाती है। अगर आपने बोनी मत्स्य या स्किल फिशेज को देखें तो उनके अंदर ओपरकुलम पाया जाता है और ये ओपरकुलम क्लोन छिद्रों को ढक कर रखता है। इनमें फोर पेयर गिल सिल्स पाई जाती हैं। स्पाइरल्स जो हैं वो क्या है कि इनके अंदर नहीं होते। ओपरकुलम की प्रेजेंस जो है वो प्रोमिनेंट है, ऊपर कुलम मुख्य है। तो ये इनमें श्वसन होता है, श्वसन के लिए क्लोन्स होते हैं। सहायक श्वसन अंग भी पाए जाते हैं जैसे स्विम ब्लैडर बोनी मत्स्य में पाया जाता है। यह ऐसा मानते हैं श्वसन में सहायक होता है। तो स्विम ब्लैडर एक ऐसी संरचना होती है जो अस्थिर मत्स्य में पाई जाती है, कार्टिलेजिनस मत्स्य में एब्सेंट होती है। स्विम ब्लैडर उसके बाद अगर हम चले के परिसंचरण तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अगर हम उसे तो इनमें श्वसन के लिए टू चैम्बर का दो कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। टू चैम्बर का एक
सहायक कोष्ठ के ऊपर जैसे साइनस साइनस मेनोसस से अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देह के विभिन्न हिस्सों से लाया जाता है। वो साइनस मेनोसस से आलिंग आलिंग से निलय और निलय से कॉनस या बल्बस आर्टेरियोसस के द्वारा ग्रसनी या फेनिक्स तक पहुंच जाता है। ये विभिन्न महाधमनी चाकों के द्वारा ले जाया जाता है जहां पे जलीय शोषण से वो ऑक्सीजनेटेड या शुद्धीकृत हो जाता है। तो कॉनस या बल्बस आर्टेरियोसस से ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां से ये ऑक्सीजनेट। इसके अलावा जो आरबीसी है उनमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सुविकसित होते हैं और उसके बाद देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उत्सर्जन के लिए बक्से के अंदर कार्टिलेजनस टिश्यू में और यूरियोटैलिक होती है, यूरिया उत्सर्जन करती है। बोनी फिशेज में मीसोनेफ्रिक ड्रग और यह अमोनोटैलिक यूरियोटैलिक और ट्राइमिथाइल ऑक्साइडियमो का उत्सर्जन भी करते हैं। तो फिशेज ऑक्सीजन। अगला जो सिस्टम है वो होता है तंत्रिका तंत्र, सुविकसित होता है। तंत्रिका तंत्र में भी कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सुरक्षित होता है, इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी सुरक्षित है, लेकिन इनमें ब्रेन पॉलीफैक्टरी लॉ सुरक्षित होते हैं और यह पॉलीफैक्टरी लॉ जो होते हैं उनसे ऑलिफैक्शन यानी सूंघने की शक्ति काफी बढ़ जाती है। इसलिए कार्टिलेजनस फिशेज में स्कॉलियोडोन को डॉग फिश या कुत्ता मछली कहते हैं, क्योंकि ऑलिफैक्टरी लॉ सुरक्षित होने के कारण इनकी घ्राण शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और सेरिबेलम जो होता है इनका हाइंड एंड वो सुरक्षित होता है। जब बोनी फिशेज
छोटे साइज के हो जाते हैं, तो इनकी घ्राण शक्ति ऑस्थिर पक्षी जैसी नहीं होती। लेकिन बोनी पक्षी में सीलिब्रम जो है वो एनलार्ज होता है, और बोनी पक्षी जो होते हैं ये ज्यादातर अपने विजन के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं। तो ये